दोस्तों, आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस तरह से हम लोकल स्टेडियम है हमारे यहाँ का, इसी से जुड़ा हुआ एक जिम है जहाँ पर कोई भी आकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। ये इसमें कुछ बेंचेज लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर इस टाइम में थोड़ा भीड़ भाड़ कम होती है। सवेरे के टाइम में लोग आराम से बैठते हैं यहाँ पर, पार्क भी कह सकते हैं, स्टेडियम भी है। इससे ऊपर जुड़ा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया जिस पर कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हैं। अब मैं आपको बैक कैमरे पर ले चलता हूँ और जिम का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एकदम स्ट्रेट रास्ता जिम की तरफ जाता है। हम जिम के अंदर जा चुके हैं। इसमें अलग अलग एक्सरसाइज करने की मशीनें लगी हुई हैं, जिस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी, कुछ हाथों के एक्सरसाइज के लिए, कुछ पाँव के एक्सरसाइज के लिए, कुछ कमर के एक्सरसाइज के लिए, जिससे कि शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स मिलता रहे। इस तरह से हर किस्म के यहाँ पर छोटे बड़े झूले और मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें कुछ हैंड ऑपरेटेड हैं। इस तरह से स्टेयरिंग टाइप की इसमें स्ट्रक्चर भी है, जिससे लोग अपने हाथों और कुहनियों का अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखा पा रहा हूँ। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने आपको इसी पार्क का सेम व्यू दिखाया था, जबकि यहाँ पर हमारे विद्यालय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिताएं थी। इस समय यहाँ पर कुछ कुत्ते वगैरह हैं जो गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। इस तरह से कुत्ते आपको सभी जगह मिल जाते हैं। ये भी अपने इस मौसम में अपनी ठंड भगाने के लिए सुबह का आनंद ले रहे हैं। इस तरह से अब ये कुछ समय घूमते इधर उधर, इसी तरह से इनको भी कुछ खाने पीने को मिल जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम में यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चे आते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी आते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें देते रहते हैं। तो इस तरह से थोड़ी देर इनको खाने पीने को मिल जाता है, उसके बाद ये अपने अपने घरों को चले जाते हैं, जो भी जहाँ से आए होते हैं समय बीतने पर। इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट आजकल बन रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी इसमें पोल्स लगे हुए हैं, इसमें नेट लगना है। यहाँ पर कुछ उसमें फर्श में प्लेन प्लेन जैसा कर रहे, शायद पुताई कर रहे। ये अब हम इसके बाहर आ जाते हैं, बाहर से इस तरह से इसका इसमें चौतरफा से जालियाँ लगा रखी हैं, ताकि बॉल मेन रोड पर ना आए, और ये प्रोटेक्ट भी है। पिछले दिनों जब भारी बरसात हुई थी तो इसको काफ़ी हानि पहुंची थी, जगह जगह से सुरक्षा दीवारें टूट गई थी। अब भी कुछ हिस्सों पर टूटी हुई हैं, कुछों की मरम्मत हो चुकी हैं। ये एक संक्षिप्त सा ब्लॉग था। यहाँ पर कार्य की व्यस्तता के वजह से मैं डे टू डे ब्लॉग अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। मिलते हैं फिर कभी नए ब्लॉग पर।